हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सार्क नेशंस, SAARC नेशंस। नेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज सार्क नेशंस या व्हाट इज सार्क? एक्चुअली सार्क क्या है? ये कुछ नेशंस का ग्रुप है जिसमें एक इंडिया भी है और बाकियों के भी नाम बताऊंगा मैं। तो ये कुछ एक्चुअली 8 कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, जिन्होंने आपस में एक तरह की फ्रेंडशिप कर ली है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कोई तकलीफ ना आए, लाइक जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती थी उनको थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ, एक फ्रेंडली व्यवहार बनाने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से बनाई गई है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्यों ये, इसका जन्म क्यों हुआ? एक्चुअली सार्क नेशंस का जन्म क्यों हुआ, वो सुना है ना आपने, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तफाक में ताकत है, एकता में बल है। अगर अगर हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज करेंगे, एक दूसरे के साथ हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इजी हो जाएगा, हम टैरिफ्स अपने कम कर सकते हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है उनको खत्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये और भी कुछ रीजंस हैं जिनको सोच के सार्क को फॉर्मुलेट करने की कोशिश की। ये शुरुआत की थी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जिया उर रहमान ने। क्या नाम था उनका? जिया उर रहमान। एक्चुअली ये बहुत पहले से चाहते थे कि हम कुछ ऐसी एसोसिएशन बनाएं जिसमें कुछ कंट्रीज हों। उन्होंने 1977 के टाइम में मुरारजी देसाई, जो उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे किसी बैठक में उन्होंने उनसे डिस्कस किया था इस बारे में। उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी जो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने आपस में मिलजुल करके बात करके 7 कंट्रीज ने इसे इस बात पे सहमति दी, एग्री किया कि वी शुड गो फॉर दिस सार्क नेशंस। एंड 8 दिसंबर 1985 में सार्क नेशंस का जन्म हुआ। उस वक्त 7 कंट्रीज थी जो इस सार्क नेशन के मेंबर्स थे। ओके, इसके जो सेक्रेटरेट है, इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं, तो वो काठमांडू में है, नेपाल के। ओके, अब आते हैं हम बात पे कि इसकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं। तो इसके मेंबर्स याद रखने के लिए एक तरीका है, हमें जब कोई दुख तकलीफ होती है, दुख दर्द होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। दुख दर्द जब भी हमें, कोई पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, फीवर है, कुछ भी हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? तो ये डॉक्टर के पास जाना कब जाते हैं हम? जब हमें कोई पेन होती है, जब हमें कोई प्रॉब्लम है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को हम लिखते हैं MBBS, MBBS ही डॉक्टर होता है ना। तो पेन और MBBS, ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। और देखिए हमारा जो मेंबर्स हैं वो सारे आपको लर्न हो जाएंगे। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल, और MBBS का MBBS में ऐसे लिखता हूं, M से है अपना मालदीव्स,
बी भूटान और दूसरा बी बांग्लादेश और एस फॉर श्रीलंका। सो ये सिर्फ लर्न करने का एक तरीका है कि हमें मेंबर्स कैसे याद रहे। पेन पी ए आई एन पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया नेपाल और एमबीबीएस मालदीव्स भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका। तो दीज आर द एट मेंबर्स ऑफ सार्क। ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जो हमारे मेंबर्स हैं वो ये आठ मेंबर्स हैं। इनमें याद रखिएगा, जब ये स्टार्टिंग में फॉर्मुलेट किया गया था उस वक्त अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं था। जब स्टार्टिंग में 1985 में जब इसे फाउंड किया गया था तब सिर्फ 7 मेंबर्स थे और अफगानिस्तान बाद में एंटर हुआ। कब? सो अफगानिस्तान इज द 8th मेंबर एंड अफगानिस्तान ज्वाइंड दिस सार्क नेशंस इन अप्रैल 2007। ओके, जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि पेन और एमबीबीएस को याद करने से हमें 8 मेंबर्स जो हैं वो लर्न हो जाते हैं, उसी तरह से मेरे पास एक और ट्रिक है इसके ऑब्जर्वर्स को लर्न करने का। ऑब्जर्वर्स जो थे इसके, देर आर 9 ऑब्जर्वर्स, तो कुल मिला के 9 ऑब्जर्वर्स हैं और उनको लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका बनाया मैंने एक। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में एक जगह है जिसका नाम है चिनोर बोलते हैं, बंतलाब एरिया में है चिनोर। तो अभी मेरा जो यहां पे जो मैं बनाने जा रहा हूं चिनोर के स्पेलिंग में कुछ ऐसे लिख रहा हूं, चिन ई यू आर चिनोर। एक्चुअल स्पेलिंग कुछ और है, मैं चिनोर के ये स्पेलिंग लिख रहा हूं और आगे लिख रहा हूं चिनोर इज जम्मू। ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, सिर्फ लर्न करने के लिए एक तरीका है। चिनोर जम्मू में है इसलिए लर्न करना इजी हो जाता है, चिनोर इज इन जम्मू। तो इन नहीं है बीच में, चिनोर इज जम्मू। ओके, अब इसका क्या लेना देना है, चिनोर का चिन्ह जो है ये चाइना है, ऑब्जर्वर्स दीज आर द ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ द सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल और कोऑपरेशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं, दीज आर चाइना, यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन यूनियंस, इट्स आई फॉर ईरान, एस फॉर साउथ कोरिया, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, देन एम फॉर म्यांमार, सेकंड एम फॉर मॉरिशियस, एंड देन यू फॉर यूएसए। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, किसी ऑर्डर में नहीं है ये, ठीक है, ये सिर्फ लर्न करने का तरीका है, अदरवाइज ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। सो चाइना चिनोर के लिए आपने ज्यादा याद रखना है, चिनोर का चिन्ह चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है और EUR यूरोपियन यूनियन को, आई फॉर ईरान, एस फॉर साउथ कोरिया, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एम फॉर म्यांमार, नेक्स्ट एम फॉर मॉरिशियस एंड यू फॉर यूएसए। दीज आर द 9 ऑब्जर्वर्स ऑफ द सार्क। ओके, अब चलते हैं हम सार्क के जो भी समिट्स हुए थे, सम्मेलन जो हुए थे वो कहां हुए थे, उनके एजेंडाज क्या थे, उनके मोटिव्स क्या थे। सो वन बाय वन वी विल स्टडी दिस।
सो इससे पहले कि मैं फर्स्ट समिट बताऊं आपको, फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था वो बताऊं, पहले एक वर्ड आता है उसमें जी ए टी टी, जो भी इसे आपने पढ़ना है। एक्चुअली क्या है ये, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। देखो किसी भी कंट्री को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो बहुत सारे टैरिफ्स भरने पड़ते हैं ट्रेड की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत सारे टैक्सेस, सिंपल भाषा में कहूं तो बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं। उन टैक्सेस को रोकने के लिए कुछ कंट्रीज, आसपास की कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज आपस में एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि जो उन टैरिफ्स को रिड्यूस कर देते हैं। वो जो टैरिफ्स है, जो जो बहुत हैवी ड्यूटीज, हैवी टैक्सेस जो पे करने पड़ते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में, उसे रिड्यूस किया जाता है, इवन खत्म भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रीज, जिन कंट्रीज के बीच में वो व्यापार हो रहा है, वो बिजनेस हो रहा है, उन कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक उसे रिड्यूस करते हैं या बिल्कुल खत्म करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड जीएटीटी। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आए 30th अक्टूबर 1947 को ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड बनाया गया था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी लोकेशन जो है, इसके हेड ऑफिस जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसका क्या काम है कि अभी जब हम समिट फर्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज पहला सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन जो हुआ था सार्क नेशंस का, ये हुआ था ढाका में, बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में हुआ था 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चला था 1985 में। ओके, 6 to 8 दिसंबर इन 1985 इट वॉज हेल्ड इन ढाका, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। वट वर द एम्स ऑफ दिस समिट? द एम्स वर प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म, हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेररिज्म की, इसे कैसे हैंडल किया जाए। देन उस टाइम में ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा थी, अभी थोड़ा सुधार हुआ है, तो हाउ टू हैंडल दिस ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसको आम भाषा में हम स्मगलिंग बोलते हैं, स्मगलिंग करना, जितने भी ड्रग्स हैं, नशे वाली जो चीजें हैं, उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ज्यादा लिया जाता था, उसको रोकने पे जोर दिया। देन प्लानिंग ए मिनिस्टर लेवल मीटिंग अबाउट जीएटीटी, है, और मिनिस्टर लेवल की एक मीटिंग करें किसके बारे में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के लिए। एंड इसी फर्स्ट सम्मेलन में ही इन्होंने ये भी किया था कि हम एक सेक्रेटरिएट बनाएंगे, हेडक्वार्टर्स बनाएंगे अपने सार्क नेशंस का, और वो सेक्रेटरिएट बनाया गया कहां पे, काठमांडू नेपाल में। ओके, एंड अडॉप्टेड एन ऑफिशियल सार्क एम्बलम, एम्बलम जो लोगो देखते हैं हम सार्क नेशंस का जो लोगो है, वो भी इस फर्स्ट सम्मेलन में ही बनाया गया था।